देखिए मिल्क पाउडर का मालपुआ बनाने के लिए बस इतने से सामानों की जरूरत पड़ेगी, मैदा, रवा, मिल्क पाउडर और दूध। तो ये 200 ग्राम मैदा है, इसको ले लेंगे और ये आधा कटोरी मिल्क पाउडर है और ये रवा बारीक वाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसको मिक्स कर लिया है, ये थोड़ी सौंफ है, इसको हल्का सा दरदरा कूट लिया था हमने, इसको मिक्स कर लेंगे और दूध थोड़ा थोड़ा डाल के हम लोग मिक्स करेंगे, थोड़ा और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी भी बैटर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, बस इतना ही गाढ़ा बैटर हम लोग को चाहिए। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और हम लोग चाशनी बनाएंगे। तो देखिए एक पैन रखा है, अब इसमें हम चाशनी बनाएंगे। ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा शक्कर है और ये आधा कप पानी, बस इसको डाल देंगे और गलने देंगे। तो देखिए चाशनी पक रही है और चाशनी हम लोग एक तार की या बहुत गाढ़ी नहीं बनाएंगे, एक तार की चाशनी बनने के पहले ही हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए चाशनी पक रही है, इसी में हम लोग थोड़ा केसर भिगो के रखा था वो डाल देंगे और थोड़ा सा आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसको थोड़ा और पकने देंगे। तो देखिए चाशनी हमारी बन के तैयार है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बस ऐसे लेके हम लोग देखेंगे और ये देखिए चिपचिपी सी चाशनी तैयार है। बस अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए 15 मिनट हो गया है और बैटर हमारा एक बार हमने फिर से मिक्स कर लिया है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, बस इसका ध्यान रखने का। और ये देखिए ऐसा बैटर रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मालपुआ बनाते हैं। तो देखिए एक कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, हम तेल में बना रहे हैं और तेल को अच्छे से थोड़ा गरम हो जाने देंगे। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें हम लोग मालपुआ डालेंगे आराम से एक ही जगह पे। और अब इसको छेड़ेंगे नहीं, आराम से जब ये ऊपर आ जाएगा तब हम लोग दूसरा मालपुआ इसमें डालेंगे। तो देखिए अपने आप पक के ये ऊपर आ गया है, अब इसको हम लोग पलट देंगे आराम से और अच्छे से गोल्डन पका लेंगे। सावन का मौसम है तो एक बार बनाइए ज़रूर। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए। तो देखिए अच्छे से फूल रहा है, बस ऐसे ही सारे मालपुए हम लोग बना लेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन देखिए इस ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, बस इसको हम लोग अब निकाल लेंगे और गरम गरम ही इसको हम लोग चाशनी में डालेंगे। तब तक हम एक मालपुआ और डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए बस इसको पकने देंगे। ये जो मालपुआ हमने निकाला था इसको हम लोग चाशनी में डाल देंगे, गरम गरम ही रहेगा तभी ये, और चाशनी बहुत गरम नहीं रहनी चाहिए, नॉर्मल ठंडी होनी चाहिए। बस इसमें हम लोग मालपुआ डाल देंगे और इसको अच्छे से दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट तक चाशनी में रहने देंगे, पलट के ऐसे भिगने देंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से दोनों तरफ से पक रहा है, बस ऐसे ही इसको दोनों तरफ से पका लेंगे।
तो देखिए ये भी बन गया है, इसको भी निकाल के हम चाशनी में डाल देंगे और जो पहले हमने चाशनी में डाला था उसको निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम सारे बैटर का मालपुआ अच्छे से बना लेंगे। आप दो चाहें तो एक बार में दो भी डाल सकते हैं, जब ये पक के ऊपर आ जाए तब हम दूसरा डाल देंगे। तो देखिए एक इसमें पक रहा है, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे किनारे कर देंगे और दूसरा भी मालपुआ इसमें हम लोग डाल देंगे आराम से और दोनों पकने देंगे। ये भी दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गया है, बस इसको भी निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे बैटर का हम लोग मालपुआ बना लेंगे। तो देखिए बनके तैयार है हमारा मालपुआ। ये हमने पहले चाशनी में डाला था, इसको निकाल के रखा है और जो बाद में बनाया था वो अभी चाशनी में ही है। तो फटाफट बन जाता है, कुछ मीठा खाने का मन हो घर में तो ज़रूर बनाइए, और हम लोग के यहाँ सावन में तो ये ज़रूर बनता है। तो ऐसे ही इसको हम लोग प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए बनके तैयार है हमारा मालपुआ, ऐसे प्लेटिंग कर लेंगे हम लोग। थोड़े से सामानों से बनता है और जो इसमें मिल्क पाउडर पड़ता है उससे हम लोगों को एकदम गुलाब जामुन का भी टेस्ट आता है। तो एक ही मिठाई में दो टेस्ट, तो एक बार बनाइए ज़रूर और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए और सावन में ये मिठाई बनाइए और सभी के साथ इंजॉय कीजिए। थैंक यू।